हेलो भाई लोग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल कैजुअल गेमिंग की एक और नई वीडियो में। गाइस आज हम बात करेंगे हमारे नए अपडेट्स की। अभी अभी अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे न्यूज़ वाले ऑप्शन में हमें जितने अपडेट आने हैं सबकी डिटेल मिल गई है। तो आपको एक एक करके बताते हैं कि हमारे अपडेट में आखिर नया क्या आने वाला है और इन लोगों ने क्या इम्प्रूव किया है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक ज़रूर से ज़रूर मार देना गाइस, और गाइस शेयर कर देना इस वीडियो को। तो भाई लोग, हमारा अंदाज़ा था 26 को हमारा अपडेट आना है, लेकिन ये लोग 25 फरवरी को अपडेट ला रहे हैं, यानी कि ट्यूसडे को। ट्यूसडे को हमारा अपडेट आ जाएगा नया, और लगभग पूरे दिन शाम को हमारा अपडेट जो है कंप्लीट हो जाएगा, और इंडियन जीएमटी के हिसाब से 4:30 से 5 बजे तक हमारा अपडेट आ जाएगा। और अपडेट में आना क्या क्या है वो आपको बता देते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले गाइस हमारा अपडेट आएगा स्टफ़ी कैरेक्टर, नई स्टफ़ी कैरेक्टर हमारी आ रही है, सबको पता था पहले से। दूसरा वाला हमारा जो अपडेट है वो है एडवांस अटैचमेंट। तो हमारे नया कुछ आइटम आए हैं, और इसमें हमारा आर्मर पीस भी है जो हमारा AWM के लिए है। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा हमारी बाकी की गन्स थी, जैसे M14 ले लो, VSS ले लो, तो इन लोग के लिए अलग अलग अटैचमेंट थे। और M60 के लिए आप देखते हो स्पायरल चार्जर है, MP5 के लिए है बूस्टर, ऐसे करके AWM के लिए भी आ रहा है। पता नहीं AWM को ये लोग क्या बना देंगे ये सब लगा के। और गाइस दूसरा जो है वो है थर्मल बूस्ट आ रहा है प्लाज्मा गन के लिए, मतलब कि प्लाज्मा गन में भी अटैचमेंट लगेगा। नेक्स्ट गाइस जो हमारा अपडेट है वो है कालाहारी का पूरा मैप। मैंने आपको पहले ही डाल दिया था कम्युनिटी पे, मैंने पोस्ट किया था तो काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो अभी देख लो, कुछ 6-7 दिन पहले या उससे भी पहले कम्युनिटी पोस्ट पड़ा होगा। ऐसे करके पूरा कालाहारी मैप हमने इसमें दिखाया आपको। नेक्स्ट गाइस जो हमारा अपडेट है वो है हमारा न्यू मैप का। तो न्यू मैप हमारा आ रहा है ट्रेनिंग लॉबी टाइप की, तो ट्रेनिंग ग्राउंड्स इस मैप का नाम होगा, और इसका भी मैप हमने आपको दिखाया था, आप देख लो, इसका मैप कुछ ऐसा दिखेगा। और गाइस ये नया आएगा, पता नहीं अपडेट के जस्ट बाद आएगा कि थोड़ी देर बाद आएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कमिंग सून, मतलब कि अपडेट के जस्ट बाद ना आके ये लोग किसी इवेंट के बाद से लाएंगे, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। नेक्स्ट गाइस जो हमारा अपडेट है वो है न्यू इक्विपमेंट। तो नए हमारे कुछ इक्विपमेंट रहेंगे, जैसे कि इनहेलर, पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको, इनहेलर हमारा EP जो होता है एनर्जी वो रिकवर करेगा, HP नहीं, हमारा EP जो येलो पार्ट में होता है उसको रिकवर करेगा हमारा इनहेलर। और गाइस इनहेलर के साथ हमें मिलेगा इलेक्ट्रिकल सर्फ बोर्ड, मतलब कि काम अलग करेगा लेकिन इसी के साथ इसका नाम लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल सर्फ बोर्ड का काम होगा जो हमारी मूवमेंट होती है उसको तेज़ कर देना, और इलेक्ट्रिकल सर्फ बोर्ड भी अब पता नहीं अलग से आएगा कि हमारे सर्फ बोर्ड में ही अटैच होगा, अब ये देखना बनता है। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल सर्फ बोर्ड अलग से आएगा और हमारी मूवमेंट को तेज़ कर देगा ऊपर से नीचे जाने के लिए, और ये भी डायमंड इसमें भी खर्च करवाएंगे, कोई इसमें शक नहीं है। नेक्स्ट गाइस जो हमारा अपडेट है वो है हमारा रैंक मोड में आइटम। तो रैंक मोड में हमारे जो पुराने आइटम थे डबल मैग, आइस गन जो हमारी ग्लू वॉल वाली गन है, और एयर ड्रॉप में ही मिलेंगे खाली ये सब। और गाइस मिलेगा हमें बायोस्कोप कार 98 का अटैचमेंट, VSS का अटैचमेंट और M14 का अटैचमेंट, ये सब मिलेंगे हमें रैंक मोड में। तो यार ये मुझे सही नहीं लगा ज़्यादा, रैंक में सब लाने की ज़रूरत है नहीं, अभी लोग ला रहे हैं तो अब देखो क्या होता है आगे। फ्रेंड लिस्ट गाइस, आपको फ्रेंड लिस्ट में कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि नई UID, और नई UID में लोग क्या चेंज कर रहे हैं जहाँ मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट एक चीज़ है जो मुझे पक्का पता है, इसमें हमें ब्लॉक फ्रेंड्स का ऑप्शन रहेगा, तो हमें फ्रेंड्स को ब्लॉक करने का ऑप्शन दिया जाएगा इसमें। नेक्स्ट गाइस हमारा अपडेट है पार्टी। तो हमें एक पार्टी का ग्रुप बनेगा, यानी कि आप फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हो किसी भी पार्टी में, और गाइस इसमें नया इनविटेशन कोड एक इन्वॉल्व होगा, नया इनविटेशन कोड आप बनाओगे पार्टी, एक तरह से स्क्वाड बनाओगे, और उसमें आप किसी को भी इनविटेशन कोड देके इनवाइट कर सकते हो, जैसे कि कस्टम में होता था। नेक्स्ट का जो हमारा अपडेट है वो है हमारे पेट स्केल्स। जो हमारे पेट स्केल, आप एक पेट को एक ही स्किल लेके यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हमारे जो पेट की स्किल होंगी, और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैकेनिकल डॉग की कोई स्किल नहीं होती, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर होती, और पांडा, तो उनकी स्किल्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, हम पांडा की स्किल मैकेनिकल डॉग में और मैकेनिकल डॉग की पांडा में रख सकते हैं, ऐसा करके नया अपडेट आएगा। नेक्स्ट गाइस जो हमारा अपडेट है वो है हमारा फायर आइकन जो गेम में होगा वो हर गन के लिए अलग अलग हो जाएगा, और गन के हिसाब से हमारा फायर आइकन को ये लोग चेंज कर देंगे। ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी यार, चेंज करने की ज़रूरत थी नहीं, देखने में अच्छा लगेगा लेकिन यार मारने में तो वही है ना, तो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट गाइस जो हमारा अपडेट है वो है हमारे न्यू सेटिंग।
तो नई सेटिंग्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो हमारे वेपन होते हैं अगर आप उसका एमओ कम हुआ, जैसे कि आपके पास दो गन है, एक MP40 और एक M10, और आपके MP40 में 30 गोलियाँ, अगर आपका एमओ कम हुआ और तुरंत वो स्विच होके M10 पे आ जाएगी और M10 आपके हाथ में आ जाएगी, M10 आप चला पाओगे डायरेक्टली आपके बिना स्विच किए, ठीक है, तो आप ये ऑटो पे सेट कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि ऑटो ही रहेगा, आप ऑटो सेट कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस जो हमारा अपडेट है वो है हमारा न्यू सेटिंग जो है स्केल, मिनी मैप जो होता था हमारा, वो जितना भी छोटा जोन हो जाता था तो वो उतना ही बड़ा रहता था और आपको देखने में प्रॉब्लम होती थी कि इनिमीज की लोकेशन क्या है, क्योंकि आपको खुद जाके उसे जूम करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपका जो मैप होगा वो पूरा ऑटोमेटिकली जूम होता चला जाएगा जितना जोन छोटा होता जाएगा, तो उसके लिए आपको आसानी होगी और बहुत पूरा मैप में आपको दिखाएगा ऊपर, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा लगा मुझे ये वाला अपडेट, बहुत ज़रूरी था और आ भी गया। इम्प्रूवमेंट्स गाइज क्या क्या हुए हैं वो भी आपको बता देते हैं। AN-94 गन में चेंजेस आए हैं, इसमें हमारा फायर रेट बढ़ा दिया गया है, रेंज बढ़ा दी गई है, रिकॉइल रिकवरी यानी कि आपका जो रिकॉइल होता है उसको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, यानी कि रिकवरी जो बढ़ा दी गई है, कहने का मतलब है कि रिकॉइल कम देगा, रिकॉइल रिकवरी बढ़ाई है, मतलब कि रिकॉइल को रिकवर करने की जो पावर है वो बढ़ गई है, रिकॉइल कम देगी AN-94, पहले बहुत देती थी। डैमेज इसका कम किया गया है और गाइस मज़ल अटैचमेंट इसकी शायद से हटा दी गई है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मज़ल से हमारी रेंज जो है वो बढ़ती है और इन लोगों ने मज़ल हटा दिया है, मतलब कि रेंज नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट गाइस जो हमारा अपडेट है वो है XM8 में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो XM8 में क्या चेंज किया है, डैमेज बढ़ा दिया है, फायर रेट इसका कम कर दिया है, मूवमेंट स्पीड शूट करते वक्त बढ़ा दिया है, और गाइस एमओ इसका कम कर दिया गया, जो इसकी मैगजीन थी वो कम कर दी है, रेंज इसकी कम कर दिया है, एक्यूरेसी कम कर दी है, तो XM8 में तो पूरा इन लोगों ने उल्टा कर दिया है, और ये गन हटा देनी चाहिए वैसे जहाँ तक मुझे लगा, अच्छी गन है, एक्यूरेसी अच्छी है, बट यार इसको हटा देना चाहिए, ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, इमरजेंसी में भले यूज़ हो जाए लेकिन इमरजेंसी में अगर उसी जगह कोई और गन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट गाइज हमारे अपडेट हैं कुछ TDM में, टीम डेथ मैच मोड में हमारे कुछ नए अपडेट किए गए हैं, तो वो भी आपको बता देते हैं। इक्विपमेंट जो होता है उसमें सारे आपको हेलमेट और आर्मर मिलेंगे सबके, हर गन के साथ, पहले ये था कि एक गन में नहीं था और एक गन में था, बट अब जो भी आप गन लोगे उसमें आपको हेलमेट और आर्मर मिलेगा बराबर का। नेक्स्ट गाइज इसमें है नए वेपन ऐड हुए हैं, इसमें आपको और नए वेपन देखने को मिलने वाले हैं, एयर ड्रॉप इसमें ऐड कर दिया है, एयर ड्रॉप आप मंगा सकते हो TDM मोड में, नया रिस्पॉन पॉइंट, मतलब अगर आप किसी को मारते हो और वो रिस्पॉन होता है तो उस पर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। वॉइस चैट म्यूटिंग, अगर आप जैसे कोई बंदा शोर कर रहा है या कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप उसको अलग से म्यूट कर सकते हो, अपना माइक या अपना जो भी स्पीकर होता है वो बंद करने की जगह आप उसको म्यूट कर सकते हो, तो उसकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आएगी आपको पूरे गेम में, और आप एक एक प्लेयर को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट गाइज हमारा अपडेट है स्प्रिंटिंग अफेक्ट नहीं होगी, सबसे यार मुझे अब पता नहीं आपको ठीक लगेगा कि नहीं, मुझे सही लगा, मेरे पास भी आलोक है, बट यार जैसे आलोक की एबिलिटी हम लोग चलाते हैं और उसमें स्प्रिंटिंग स्पीड जो बढ़ जाती थी तो वो अब ऐसा नहीं होगा, आलोक से सिर्फ HP बढ़ेगा, स्प्रिंटिंग स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और आगे जितने कैरेक्टर आएंगे उन पे भी यही डिपेंड करेगा, ठीक है, तो स्प्रिंटिंग स्पीड इन लोगों ने पूरी जितने भी एबिलिटी थी वो हटा दी है, आलोक एक एग्जांपल है और जितने कैरेक्टर ऐसे होते हैं उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गाइस केली और जोसेफ की एबिलिटी वही रहेगी, बाकी आलोक की जो एबिलिटी होगी स्प्रिंटिंग स्पीड की जब आप ऑन करते हो तो वो हटा दी गई है। तो गाइज ये था हमारे कुछ नए अपडेट, कुछ मिसिंग हो तो बता देना, कुछ ना समझ में आए पूछ लेना, और गाइज वीडियो को शेयर ज़रूर ज़रूर कर देना लाइक मारने के साथ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।